रूस के खिलाफ नेटो समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों से लेकर आर्थिक मदद दे रहे हैं। पश्चिम से लगातार खतरनाक हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन में हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि नेटो देश जर्मनी के इस फैसले से यूक्रेन को एक तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल जर्मनी यूक्रेन को 30 सेकेंड हैंड लेपर्ड 1 युद्धक टैंक देने जा रहा है और इन टैंकों की पहले मरम्मत की जाएगी और फिर इन्हें यूक्रेन युद्ध में भेजा जाएगा और इन टैंकों की मरम्मत का काम राइनमेटाल कंपनी कर रही है। आपको बता दें कि ये टैंक 49 वाहनों के उस बेड़े का हिस्सा हैं, जिन्हें बेल्जियम की एक प्राइवेट कंपनी वाईपी लैंड सिस्टम से खरीदा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन टैंकों की हालत इतनी खराब है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ उनके पुर्जों को दूसरे टैंकों में लगाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ओआईपी के सीईओ फ्रेडी वर्स लुइस ने कहा था कि टैंकों को युद्ध के मैदान में पहुंचने में 6 महीने लग सकते हैं और जिन टैंकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है उन्हें बेल्जियम सरकार 2014 में ही अपने सैन्य बेड़े से बाहर कर चुकी है। लेपर्ड 1 टैंक जर्मनी के सशस्त्र बलों का मुख्य युद्धक टैंक हुआ करता था, जिसका पहली बार उपयोग 1965 में किया गया था, लेकिन तब से इसे लेपर्ड 2 मॉडल से बदल दिया गया है। आपको बता दें कि जर्मनी ने यूक्रेन को 2.7 अरब यूरो सहायता पैकेज देने का ऐलान किया था और इसी के हिस्से के रूप में जर्मनी ने यूक्रेन को 110 लेपर्ड 1 टैंक देने का प्रॉमिस किया था, जिनमें से अब तक सिर्फ 10 टैंक ही यूक्रेन तक पहुंच पाए हैं और यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन के लिए हथियार तलाशना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि उनका खुद का हथियारों का जखीरा कम होता जा रहा है और नौबत ये आ गई है कि जिन हथियारों को इन देशों ने अपने सैन्य बेड़े से बाहर कर दिया था अब उनकी डिमांड भी बढ़ गई है और इन हथियारों का मालिकाना हक भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है।